हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यानी कि मैं काफ़ी दिनों से आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। कुछ दिनों से मैं लापता था आपके सामने से, बट अब रेगुलरली आपके सामने मैं रहूँगा। और आज मैं रेडी होके, यानी कि दोपहर के बज रहे हैं, 11 बज गए शायद। धूप भी काफ़ी कड़क आ रखी है ये देखो, और मैं यहाँ आया हूँ फूल तोड़ने के लिए। आज मैं और मम्मी जा रहे हैं मंदिर। ये देखो हमारे गेंदे के फूल, इतने सारे मैंने तोड़ लिए। और आज हम जा रहे हैं मंदिर, शनि मंदिर। यहाँ थोड़ी दूर ही है, तो मैं और मम्मी जाएंगे गाड़ी लेके और चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से मैंने फूल तो तोड़ लिया, और चलते हैं सीधा घर पे और थोड़ा कुछ खा पी के। और ये फूल लगा रखे अपने यहाँ बाड़ी में, जो गाँव में भाषा में बोलते हैं नोरा। तो यहाँ से मैंने फूल तोड़ लिए। ये अपनी गायें खड़ी है यहाँ। ये है हीर, ये क्या नाम है भाई तेरा, जमुना। ये देखो इसके सामने आती है, ये बोलती है खास गलती मेरी, सारी साथी रहती है ना इसके, मारती भी है मेरे को। ये है ना, ये मस्त है ना। इसका नाम है तुलसी और इसका नाम है आई डोंट नो यार, मैं बहुत कम आता हूँ ना यहाँ बाड़े में, तो इनका नाम वगैरह मेरे को पता नहीं है, तो करके समझ रहे हो आप। चलो चलते हैं सीधा घर से। मैं अपने प्लॉट से घर आके पहले फूलों को रखा, उसके बाद खाना फिनिश किया, फिनिश करती फिर मेरे को याद आया अपने जी वैगन, सॉरी वैगनार की साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करते फिर वे नहीं चलती से अपने। सजना जी मैंनो छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल। गाड़ी को बाहर निकाला फिर हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए। फिर आगे जाते ही मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि ट्रेन आने वाली थी तब करके वो फाटक बंद था। तो जैसे ही ट्रेन निकली, निकलते ही हम लोग जल्दी से निकल पड़े अपने मंदिर की। और तो ये है शनि मंदिर जो है इच्छापुर। हम यहाँ से अपना मतलब वगैरह टेक के, प्रसाद वगैरह लगा के फिर हम निकल पड़े अपने घर की ओर। तो मंदिर से आने के बाद मैं आ गया सीधा शॉप पे, क्योंकि मंदिर जाने के बाद टाइम टूम ज़्यादा ही लग गया था। तो मैं मार्केट से आते टाइम आया ना, तो मैं लेके आया था ये संतरे, हाथ से गिर रहा है बेटा अपने आप। तो ये संतरा लेके आया था मैं मार्केट से, तो अब मैं आते टाइम ना शॉप में ले आया था इसको, एक नहीं लेके आया, काफ़ी लेके आया, तीन चार लेके आया यार, ये हाथ से गिर रहा है भारी भारी। तो पहले मैं इसको फिनिश करता हूँ। संतरा खा ही रहा था, तो बीच में आ गए थे ये कस्टमर, तो इनको मैं संतरा खाते खाते इनको अटेंड किया। वही आ गया तो बोल रहा है मेरी, जैसे लहसुन वगैरह बेच रहा था इसकी वो डैक वगैरह लगा रखी, तो बोल रहा था मेरी ख़राब होगी, इसकी कोई वायरें हट गई तो इसको रिपेयर कर दोगे। तो मैंने बोला हाँ कर दूँगा, क्या दिक्कत है। तब ला रहे हैं वो खोल के और उसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर तो रिपेयर कर दी, तो अब मैंने सोचा कुछ सामान सब बिखरा पड़ा है, इनको सेट कर लूँ मैं पहले। और एक चीज़ तो आपको बताना मैं भूल गया, मार्केट से आते टाइम मैं एक ये कनेक्टर लेके आया था, आईफोन का कनेक्टर है जिसमें माइक वगैरह कुछ भी अटैच कर लो अच्छे से काम वर्क करता है। तब से मेरे ब्लॉग में ये इसका हाथ ज़्यादा रहेगा, यानी कि इसके कारण मैं आईफोन में बोल पाऊँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मेरे जैसों की वीडियो कभी भी आ सकती है, तो उनको देखते रहिए। टाटा बाय बाय। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी।